हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के 57वें मुकाबले के बारे में। दोस्तों आपको बताएं कि आईपीएल 2024 का आज 57वां मुकाबला सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे पिच रिपोर्ट क्या है और दोस्तों कौन सी टीम कितने अंकों के साथ कौन से स्थान पर है, दोस्तों कौन से स्टेडियम में और कितने समय शुरू होगा आईपीएल 2024 का 57वां मुकाबला इसी वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि आप मैच टॉस सेक्शन की सटीक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अंकित भाई से संपर्क करें, इनका काम बहुत ही बेहतर है। मैंने खुद इनका काम चेक किया, एक बार इनसे संपर्क जरूर करें, इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईपीएल 2024 का आज 57वां मुकाबला सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। दोस्तों यह मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों ये दोनों ही टीमें अंक तालिका में 12-12 अंकों के साथ समान स्थिति में, बस नेट रन रेट बेहतर होने के चलते हैदराबाद चौथे और लखनऊ सुपर जायंट पांचवें नंबर पर है। ऐसे में अब जो भी टीम जीतेगी उसे प्ले ऑफ में पहुंचने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसे में दोनों टीमें इस मोड़ पर बेस्ट देना चाहेंगी। तो आइए हाई वोल्टेज मैच से पहले जान लेते हैं कि हैदराबाद की पिच का मिजाज कैसा है और मैच के दौरान कैसा रहने वाला है। दोस्तों कैसे रहेगी राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की पिच, दोस्तों आपको बता दें कि यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैदान की पिच बिल्कुल फ्लैट है। दोस्तों बल्लेबाजों के लिए राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम की पिच स्वर से कम नहीं है, यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं। दोस्तों गेंदबाजी में यहाँ पर स्पिनर जरूर कुछ असर दिखा सकते हैं, वहीं तेज गेंदबाजों के लिए ये पिच काफी खास नहीं है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले सकती है। दोस्तों क्या है हैदराबाद के आंकड़े, दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 75 आईपीएल मुकाबले खेल गए। इस दौरान 34 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती जबकि 41 मैच चेज करने वाली टीम जीती है। दोस्तों ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी क्योंकि इस मैदान पर चेज करना कुछ हद तक आसान हो जाता है। आपको बता दें कि हैदराबाद ने इसी मैदान पर टूर्नामेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 277 रन बनाया था। दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, दोस्तों आपको बता दें कि सनराइजर हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट के बीच आईपीएल में अब तक 3 मुकाबले खेले गए हैं और तीनों ही मैच लखनऊ ने जीते हैं। ऐसे में अब घरेलू सरजमी पर हैदराबाद की टीम लखनऊ के खिलाफ पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11, लखनऊ सुपर जायंट की संभावित प्लेइंग 11, केएल राहुल विकेट कीपर और कप्तान, मार्क टोनिस, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, आयुष बड़ोनी, कुणाल पांडे, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, मोहसिन खान और महक यादव। दोस्तों सनराइजर हैदराबाद की संभावित प्लेइंग 11, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, एडक्स मार्स्ट्रम, हैरी क्लासन विकेट कीपर, नीतीश रेड्डी, अब्दुल समद, शहबाज अहमद, पेंट कोमिस कप्तान, भुवनेश्वर कुमार, टी नटरजन और महक मारकांडे। दोस्तों ये दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगे और दोस्तों यहां पर सनराइजर हैदराबाद जीतेगी। जी हां दोस्तों हैदराबाद अपने होम ग्राउंड पर बाजी मारेगी और लखनऊ के खिलाफ पहले जीत अर्जित करेगी। दोस्तों यहां पर सनराइजर हैदराबाद जीतेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 का 57वां मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय बस बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास आ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।